हेलो दोस्तों, मैं हूँ काजल और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो आज के लिए मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ SBI क्लर्क के नोटिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, जूनियर एसोसिएट, आपको ये पता होगा कि SBI क्लर्क का फॉर्म वो भर सकते हैं जिनकी एज जो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल है, ठीक है। और SBI क्लर्क के लिए आपको दो प्रोसेस पार करने पड़ते हैं। पहले प्री एग्ज़ाम आपको देना होता है, फिर आपका जो है मेंस होता है। प्री एग्ज़ाम का भी आपको पता होगा, तीन जो है इसमें आपके सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है, क्वांट एप्टीट्यूड आता है और आपका रीजनिंग आता है। इंग्लिश लैंग्वेज 35 नंबर का, क्वांट एप्टीट्यूड भी 35 नंबर का, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज आपका आता है 30 नंबर का, क्वांट एप्टीट्यूड 35 का और रीजनिंग भी आपका 35 का आता है। तो टोटल 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें जो है आपको 60 मिनट दी जाती हैं, यानी कि एक सेक्शन में आप मान सकते हैं कि 20 मिनट आपको करने के लिए दी जाती हैं। तो इसके लिए जो पूछ रहे थे कि इसमें जो एक क्वेरी और बनी थी कि IBPS PO बेस्ट है या फिर SBI बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, SBI की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो 4 साल बाद जो है आप जो है ऑफिसर बन सकते हैं। और डायरेक्टली जो IBPS PO बन करते हैं तो वो तो डायरेक्टली PO से ही फिर ऑफिसर बनते हैं, लेकिन SBI का जो है सैलरी अच्छी होती है, फ़ौरन जाने का जो है एक मौका मिलता है उन्हें, प्रमोशन भी इसमें अच्छा होता है। इसलिए SBI में आपने देखा होगा वर्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें जो सैलरी मिलती है और जो इसका क्राइटेरिया है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए लोग जो हैं SBI में ज़्यादा जाते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है, जो सिर्फ SBI के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे एक बार ये कहूँगी कि वो एक बार जो है गाइस IBPS और RRB पर भी ध्यान दें। चलिए, फालतू की बकवास हो गई बहुत, बात कर लेते हैं आपके मेन टॉपिक पर। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि IBPS RRB हो या फिर आपका ये SBI हो, देखिए इसमें क्या होता है SBI के नोटिफिकेशन में, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के 15 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड जो है जारी होता है। फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना, तो उसके 15 दिन बाद जो है एडमिट कार्ड जो है आता है। तो आपका ये जो नोटिफिकेशन है जो है कि SBI क्लर्क का है, ये गाइस आपका आलेगा इसमें सितंबर की फर्स्ट वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन आउट हो लेगा। और ये मान लीजिए 25 सितंबर तक जो है इसका प्री एग्ज़ाम जो है गाइस हो लेगा, ठीक है। फिर मेंस एग्ज़ाम इसका नवंबर में होगा, तो आपका ये नोटिफिकेशन आएगा सितंबर में। थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन देख लेना, आपका ये नोटिफिकेशन सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 सितंबर को भी आ सकता है, 2 को भी, ये जो है SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है गाइस आ लेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।